आज विखे संघर्ष कमेटी वालों जिला प्रधान करमबीर वाली के अगुवाई चीनी सरकार का पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया। करमवीर बाली ने कहा है कि देश भर के विच जदों तो कोरोना वायरस आया है वह सब चीनी की देन है। कोरोना वायरस नाल ही चीन वालों परमाणु हथियार की बजाय सस्ती लड़ाई लड़ी जा रही है। जिहड़ी चीन की साइंसिस्ट ली पेंग यान उन्हें चीन चो दौड़ के अमरीका च शरण ले लई, उहदी जान नूं खतरा सी। उस जनानी ने यह गल कही है, मैं गवाह हां जिहड़ा करोना वायरस है यह चीन दे विच पैदा होया, वुहान दे विच इहदा प्रैक्टिकल होया, और जिहड़ा इहने करोना वायरस पैदा किया इहने दुनिया नूं घुटणियां ते लिआउण वास्ते किया। परमाणु युद्ध ना भी ज्यादा खतरा इस वायरस का, जिदी वजह ना सारी दुनिया में अफरा तफरी पै गई, लखां दी तादाद दुनिया मर गई, लखां बीमार हो गए, लखां इहदा इलाज करवा रहे। इहदा जिहड़ा जिम्मेवार आ वह चीन आ, ड्रैगन आ। ड्रैगन ने एक सस्ती लड़ाई लड़न की खातर इस वायरस नूं पैदा किया। असीं यह चाहुंदे आ इह जिहड़ा मुल्क चीन आ इत्थे अंतरराष्ट्रीय मुकदमा दर्ज होवे, और जिन्हें भी लोग मरे आ इस कोरोना वायरस नाल चीन मुआवजा दे, जिन्हें लोग बीमार होए आ जिहड़े मरण शैया ते पए आ सारा मुआवजा डैमेज को लिया जाए, जिन्हों लोगों का व्यापार बंद हो गया सारा चीन दे गल खर्चा पाया जाए, ता कि अगो कोई मुल्क ऐसी घिनौनी हरकत ना करे और ऐसा घिनौना वायरस पैदा ना करे जिन्हां मानव जाति नूं खतरा पैदा होवे। असीं इह प्रोटेस्ट वजों अज चीन का असीं झंडा फूक प्रदर्शन कर रहे हैं। असीं यह चाहुंदे आ साडी आवाज अंतरराष्ट्रीय पहुंचे, अंतरराष्ट्रीय तक, ताकि चीन ते मुकदमा दर्ज हो सके।